साबिक एमएनए मोनिस इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुजरात पुलिस ने मोनिस इलाही के खिलाफ मुखालिफ उम्मीदवार पर कातिलाना हमले का मंसूबा और फायरिंग का मुकदमा दर्ज किया है। PP32 से उम्मीदवार चौधरी अफगन की तरफ से मौकिफ इख्तियार किया गया है कि कागजात नामजदगी जमा कराने पर मोनिस इलाही ने उन पर फायरिंग की और फोन पर धमकियां दी गई। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल सलाम मिर्जा से। अब्दुल सलाम, बताइएगा इस मुकदमे के बारे में। जी बिल्कुल, मोनस लाई के खिलाफ जो है गुजरात में एक और पर्चा कट गया है। मोनस लाई के जो है उसके मुहालफ उम्मीदवार थे जिन्होंने मोनस लाई के मद्दे मुकाबल जो है कागजात नामजदगी MPA के उम्मीदवार के जमा करवाए थे, फरूक अफगन कुलाचोर, उनके ऊपर जो है कातलाना हमले का जो है मोनस लाई के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। मोनस लाई समेत जो है 12 अफराद के खिलाफ जो है कत्ल समेत जो है संगीन दफात के तहत गुजरात के थाना सदर जलालपुर जट्टा में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पर जो मदई मुकदमा है उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि बरूने ममालिक से हमें फोन भी आ रहे थे, धमकियां दी जा रही थी, जिसकी बिना पर गुजरात पुलिस ने जिसकी बिना पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अब्दुल सलाम मिर्जा, आपका बहुत शुक्रिया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाकयात यकीन के साथ।